हरियाणा के अंदर जो धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया, हमला किया गया, हिंसा की गई, उसके विरोध में आज का प्रदर्शन है। और हम उन देश विरोधी ताकतों को जो इस देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, और कुछ विशेष समुदाय के लोग जो खुलेआम उग्र होकर हिंदू यात्राओं पर हमले कर रहे हैं, उन सबको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो बाज आ जाएं। और अगर वहाँ मौके पर हरियाणा पुलिस ना पहुँचती तो ये बहुत बड़ा हत्याकांड हो सकता था। हरियाणा पुलिस ने वहाँ 2500 लोगों को लगभग एक मंदिर में बिठा के वहाँ उनको छुपाया, जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना जो है टल गई। इसके लिए हम हरियाणा पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं, और हरियाणा सरकार और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस सारी घटनाओं को संचालित कर रहे हैं? क्या इसमें देश के अंदर बैठे हुए देश विरोधी लोग भी शामिल हैं, या देश के बाहर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस मुल्क के लोग शामिल हैं, या कहीं बाहर के मुल्क जैसे कनाडा है, जैसे वो अमेरिका है, या चीन है, ऐसे लोगों के इस कोई विशेष रुचि तो नहीं है इन मामलों में? तो इसकी भी जांच की जाए और सारे मामले की तह पर पहुंचकर उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा नाम रामपाल शर्मा, प्रांत संयोजक हिंदू जागरण मंच जम्मू कश्मीर प्रांत।